रिक्तियों का कल रोस्टर जारी होगा। बीपीएससी कल रात तक रोस्टर जारी कर सकता है। आपको बता दें सामान्य प्रशासन विभाग से अभी नहीं मिली है और बताया जा रहा है कि रिक्तियां जो भेजी गई थी वो अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में कल तक रिक्तियों को साझा कर दिया जाएगा। कोटिवार विषयवार आयोग नोटिस के साथ रोस्टर जारी करेगा। फॉर्म भरने की भी तिथि बढ़ाई जा सकती है, यानी और मौका मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। फिलहाल लेट फाइन के साथ 25 फरवरी तक फॉर्म भरने की तिथि है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तिथि और बढ़ाई जा सकती है। रोस्टर में देरी की वजह से ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और इसी को ध्यान में रखते हुए तिथि बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। रोस्टर जारी होते ही आवेदन की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि फेज थ्री में कुल 86,474 पदों पर बहाली होनी है। संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पूरा अपडेट बताएं। देखिए, बिहार में TRA-3 यानी शिक्षक बहाली फेज थ्री का विज्ञापन जारी हो चुका है और इस बीच जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में हैं कि विषयवार, कोटिवार और वर्ग के आधार पर जो रिक्तियां हैं वो सामने आए, लेकिन रिक्तियां पहले नहीं जारी की गई जिसकी वजह से लगातार परेशानी हो रही थी। इस बीच शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियां मंगवा ली, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग से आधी जो रिक्तियां हैं वो बीपीएससी को मिल गई है। कल शाम तक क्लास एक से लेकर 12वीं तक की सभी रिक्तियां जो है बीपीएससी को मिल जाएगी, जिसके बाद रात तक जो है नोटिस के साथ विषयवार और कोटिवार रिक्तियां जो है जारी हो जाएगी, जिसके बाद जो अभ्यर्थी इंतजार में हैं उनका इंतजार खत्म होगा और फॉर्म भर सकेंगे। दूसरी बड़ी खबर है शिप्रा, जो अभ्यर्थी इंतजार में है कि जो 3 बार बाध्यता है परीक्षा में वो कब खत्म होगी। तो आपको बता दें कि 4 से 5 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग जो है इस बाध्यता को भी दूर करेगा, क्योंकि अब 5 बार जो है नियानुकूल जो है 5 बार अभ्यर्थी जो है TRA में मौका उनको मिलेगा। इसको लेकर जो है बस एक हस्ताक्षर होना बाकी है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर के लिए मंत्री के पास फाइल पहुंच गई है और उसके बाद वहां हस्ताक्षर होते ही जो अभ्यर्थी TRA में 5 बार परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें अब 5 मौके दिए जाएंगे, जिससे अब उनको जो है ये समस्या नहीं रहेगी कि अब 3 अटेम्प्ट के बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। जी,